नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। तो सुबह सुबह का टाइम है और मैं अपने घर में सफाई कर रही हूँ और आस्था के स्कूल का टाइम हो रहा है, लेकिन ये स्कूल के लिए रेडी नहीं हो रही है और बाल आल इसके बिल्कुल बिखरे पड़े हैं और मैं इसे कहती जा रही हूँ कि बेटा रेडी हो, हाथ मुँह धो, लेकिन बिल्कुल भी नहीं सुन रही है मेरी बात। तो आज का आपने थंबनेल देखा, बहुत ही जबरदस्त थंबनेल था। तो इसी टॉपिक के बारे में मैं बातें करना चाहूँगी कि हाँ, मैं हूँ गवार, मुझे गवारपन पसंद है, मुझे पसंद है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक पढ़ा लिखा इंसान सिर्फ कॉपी या फिर कलम का ही काम कर सकता है, कुछ भी काम कर सकता है। कुछ भी काम इस दुनिया में छोटा बड़ा नहीं है, क्योंकि काम ही हमारी पूजा है। काम से अगर घर में सुख शांति समृद्धि पैसे आ रहे हैं तो वही चीज़ हमारा पूजा है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मैं कलम कॉपी ही चलाऊँगी तो मैं अच्छी लगूँगी। हाँ, मैं गवार हूँ अगर आप मुझे इस नज़रिए से देख रहे हैं। बाय, नमस्ते आस्था। तुम तो बोलती ही नहीं है, तुम बहुत शर्माती हो। किसी को भी तुमने बोला? ठीक है, जा रहा। इनको देखो, मछली का जाला सुधार रहे हैं। तो किसी मैडम या फिर सर का कमेंट था कि इंसानों का डैश और गाय का गोबर एक बराबर होता है, ऐसी बात बोली थी जो कि मैं आपके सामने खुले मुंह बोल भी नहीं सकती हूँ। और उन्हीं ने कमेंट किया कि मेरा नसीब गोबर में है, गोबर में था और गोबर में रहेगा, और तुम्हारे मम्मी पापा मौज ले रहे हैं और तुम यहाँ गोबर में पड़ी हो। तो वो उनकी ज़िंदगी है, मेरी मम्मी पापा की ज़िंदगी है, वो मौज करें या फिर जो करें, लेकिन मैंने एक गलती करी है, मैं उसका पछतावा पूरी ज़िंदगी करूँगी, क्योंकि गलती का पछतावा मैं कर रही हूँ। तो पछतावा, और वो भी मैं खुशी कर रही हूँ। तो इसमें आप मुझे गवार कह लीजिए, पढ़ी लिखी हूँ और लेकिन गवारों वाला काम करती हूँ, देहाती गवार लगती हूँ। तो ये आप अपने नज़रिए से देख रहे हैं कि मैं गवार हूँ, लेकिन क्या एक साइंटिस्ट जो हमेशा लैब में काम करता है और अगर वो अपने हाथों से चावल को और दाल को मिला के खा रहा है, चम्मच से नहीं खा रहा या फिर उसे कोई रोबोट खाना नहीं खिला रहा, तो क्या वो गवार है? साइंटिस्ट होने के बावजूद क्या वो गवार है? आप मुझे एक बार कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे आप में से कोई ज़रूर बोलेगा कि साइंटिस्ट कभी भी हाथों से चावल और दाल को मिला के नहीं खाएगा। नहीं, साइंटिस्ट ही चावल और दाल को मिला के खाएगा, क्योंकि वो अपने लैब में रोज डेली चम्मच से खाना खा के तंग आ चुका है। जब वो अपने घर पे आया ना, तो उसे अपनी माँ के हाथ का जो दाल चावल है उसे हाथों से मिला के ही खाने में टेस्ट आएगा, जिस तरह मुझे अपनी मम्मी के बने दाल चावल उन्हीं के हाथों से खाने का मन करता है और सासू माँ के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। तो उसी तरीके से, तो ज़रूरी नहीं है कि वो साइंटिस्ट होकर अगर मिला के ऐसे दाल चावल खा रहा है तो वो गवार हो गया। वो आपके देखने के नज़रिए पे डिपेंड करता है कि आप किस नज़रिए से, आप उसे गवार के नज़रिए से देख रहे हैं या फिर आप एक मतलब सही तरीके से उसे देख रहे हैं, वो आपके नज़रिए पे डिपेंड करता है। उसके नज़रिए, वो उसके खाने पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता है। आपकी थिंकिंग क्या है इस पे डिपेंड करता है सब बातें। और रही बात यहाँ पर कि मेरी ज़िंदगी गोबर में थी, गोबर में है और गोबर में रह जाएगी, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गोबर हमारे हिंदू समाज में बहुत ही शुद्ध माना गया है। और आप भी, जहाँ तक मैं आपको जानती हूँ, आप भी हिंदू हैं, लेकिन पता नहीं आपकी कैसी सोच है कि आप गोबर को ऐसी गंदी शब्द आप बोल रहे हैं। और गोबर ही शुद्ध है, जो हमारे पंच तत्वों में सब चीज़ शुद्ध है, उसी तरह गोबर भी शुद्ध है। यहाँ तक कि गोवर्धन पूजा भी एक की जाती है, गोवर्धन पूजा होती है। तो फिर कैसे आप ऐसा बोल सकते हैं? तो आशा करती हूँ आप सभी को मेरी बातें कुछ हद तक सही लगी होगी। अगर नहीं सही लगी होगी तो प्लीज़ अपने राय कमेंट में दीजिएगा, और जो मैंने आपको कमेंट बताया है तो उनके बारे में भी ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्या सही है क्या गलत, जरूर कमेंट में बताइएगा। तो देखिए, मुझे जैसा सही लगा कि मुझे इस बात को इस तरीके से रखनी चाहिए, तो मैंने उस तरीके से रखी है। बाकी आप सभी बता सकते हैं कि मैंने कितना गलत कहा है और कितना परसेंट सही कहा है। तो इन सब बातों को आप जाने दीजिए, बहुत हो गया क्योंकि सीरियस लेक्चर। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सुबह कढ़ी, और मैं बहुत खुश थी जब मुझे ऐसा कमेंट, मैं बहुत हंस रही थी ये कमेंट पढ़ के कि कोई मेरे ब्लॉग इतना ज़्यादा घुस के देखता है कि भैया मैं गोबर में काम कर रही हूँ, मेरे मम्मी पापा ऐसे हैं वैसे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम कोई एक ऐसा आदमी है जो कि मेरे ब्लॉग इतने घुस कर देख रहा है। तो यहाँ पे मैं छौंक रही हूँ कढ़ी, और कढ़ी देख लीजिए कितना सारा मिक्सचर ऊपर आ गया है।
इस कड़ी का नाम है भटा की कड़ी, भटा के कड़ी, क्योंकि इस कड़ी में भटा डाले गए हैं, भटा और टमाटर, आलू भी डाले जाते हैं लेकिन मैंने आलू नहीं डाला है। नहीं बना दूंगी लाइटर है, मसाला पीस के बना दूंगी, क्या थोड़ी सी तो बनानी है आपके घर में, सुनो थोड़ा सा इसे पास करके वीडियो बना दो, और पास करके आटा बना दिखा, बस बंद कर दो छोड़। तो आप सभी कह रहे थे कि आपने अलमारी अभी तक नहीं दिखाई, अलमारी का क्या हाल है, आप ऐसा बोल रहे थे आप सभी, तो ये देखिए अलमारी का क्या हाल हो रखा है। मिट्टी सूखने के बाद ऐसे चटक जाती हैं आपस में सिमटने के कारण, और ये ऐसे पूरे में ही हो गया, लेकिन ये इतनी अच्छी तरह अभी सूख भी नहीं पाया, अभी दब रहा है, सूख नहीं पाया है क्योंकि सर्दी का दिन चल रहा है इस कारण से। और ये देखिए इस तरीके से हो रखा है इनका हाल। तो गोबर से जब इन पे लीप देंगे ना तो ये दरारें पूरी भर जाएगी, उसी के लिए देखिए ये बाल्टी में मैंने गोबर मंगवा लिया है, और इसको अलमारी को लीपने के साथ साथ यहाँ नीचे भी लीप दूंगी, क्योंकि ये देखिए कितना बेकार दिख रहा है और वहाँ भी कितना बेकार दिख रहा है। तो चलिए चलते हैं, काम करते हैं, वरना लाइट चली जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो आप सभी ने बहुत सारे कमेंट में ये बोला था कि आपकी अलमारी का हाल क्या है, तो देख लीजिए ये हो गया अलमारी का हाल, चटक गई हैं क्योंकि जब मिट्टी सूख गया ना तो वैसे गीले में तो वो ज़्यादा से दिख रही थी, लेकिन जब वो सूखा तो आपस में सिमट गया और दरारें बीच में आ गई। ऐसा हमेशा ही हो जाता है, गीली मिट्टी जब सूखती है तो दरारें ऐसे आ जाती है, तो उसके बाद ऐसे गोबर से लीपा जाता है ताकि मतलब बढ़िया भी हो जाए, मिट्टी भी हट जाए, और ऊपर से गोबर से लिप जाने के बाद इनकी दरारें भी भर जाए। तो ये काम ज़रूरी था, लेकिन गीला था अलमारी, इस कारण से मैं नहीं कर रही थी ये काम इतने दिनों से, और ना ही आपको अलमारी का व्लॉग दिखा रही थी। तो आज यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से गोबर से लीप दिया है अलमारी को, और ये जो बचा हुआ गोबर है इसके मैं क्या करूँगी कि कंडे बना लूँगी, ये अलमारी लिप जाए उसके बाद, क्योंकि गोबर ज़्यादा था तो गोबर का काम करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है मैं सच बताऊँ तो। और मुझे ये सब काम करने में ना बहुत एक्साइटमेंट होती है कि लगता है ना मैं जल्दी जल्दी खाना पीना बना के पहले मैं ये सब अपने काम निपटा लूँ। और आप में से किन किन को ये सब काम करना पसंद आता है लेकिन आप कर नहीं पा रहे, आप कमेंट करके बताइएगा कि आप में से किन किन लोगों को ये काम अच्छे लगते हैं। तो ये जो अलमारी का बिल्कुल तली का हिस्सा है, नीचे का हिस्सा है, वहाँ पे अभी गोबर से लीप रही थी, जो मैंने ऊंचाई दे दी थी मिट्टी से वो है। तो मैं सोच रही थी कि जब यहाँ पे गोबर से लिपाई हो जाएगा उसके सूखने के बाद मैं यहाँ कलर कर दूंगी और एक पर्दा भी ज़रूर लगा दूंगी। जब हमारे पास पैसे हो जाएंगे तो गेट लगाने का भी सोचेंगे, लेकिन अभी हम एक नॉर्मल सा पर्दा जो 100 रुपये में आता है यहाँ पे बिकने, जो मैंने बाहर पर्दा लगा रखा है वैसा ही पर्दा मैं यहाँ पर लगा दूंगी, ताकि जो भी हम सामान रखते हैं वो बाहर की तरफ ना दिखे और उससे और अच्छा दिखने लगे, अलमारी में और ज़्यादा सुंदरता आ जाए। तो मैं भी बहुत वेट कर रही हूँ कि कब वो दिन आएगा कि जब मैं इसमें अपने सारे सामान रख दूँगी और ये फिर बिल्कुल कलरफुल हो जाएगा और जगमगाने लगेगा। मैं भी वेट कर रही हूँ आपकी तरह। तो अब देखिए आ गई हूँ ऊपर वाले हिस्से में, नीचे वाले हिस्से में मैंने अच्छी तरीके से लिपाई कर दी है, और अब जो ऊपर जितनी दरारें हैं उन्हें भी भर दूंगी गोबर से लिपाई करके। हालांकि इतनी ज़्यादा गोबर से लिपाई नहीं करनी थी, क्योंकि जो बीच वाली पट्टिया थी वो बहुत अच्छी पट्टिया थी, इस पर ना ही तो गोबर की लिपाई करना था ना ही कुछ करना था, बिल्कुल प्लेन था। और जब अलमारी बन जाएगी तो बस इसे अच्छे से पोंछ दूंगी, उसमें ही हो जाएगा। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि बिना पैसे के हमने फ्री में ही, बिल्कुल फ्री में ही हमने ये अलमारी तैयार कर ली। बहुत दिनों से सोच रहे थे कि बक्सा मंगाएं, टंकी मंगाएं, उन सब में जो सर्दी वाले कपड़े हैं उसमें रख दिया करेंगे, लेकिन ना ही तो वो हो पा रहा था और ना ही बक्सा आ पा रहा था हमारे घर में। तो लेकिन फिर मेरे को एक दिन आइडिया आया कि क्यों ना ऐसे अलमारी बना ली जाए जो पुरानी चीज़ें हैं उन सभी को जोड़ कर, इकट्ठा कर और मिट्टी से,
क्योंकि मेहनत करने पे आप कुछ भी चीज़ बना सकते हैं। तो देख लीजिए, सोचा समझा और बना के रेडी भी कर दिया। तो अब अलमारी को मैंने अच्छे से गोबर से लीप दिया है और अब धरती को लीप देती हूँ, तो ये देख लीजिए। लेकिन अब की बार जब भी मैं आप सभी को अलमारी दिखाऊंगी तो आपको अलमारी कलरफुल मिलेगा, इस तरीके का नहीं दिखेगा, क्योंकि दरारें थी। तो अब आप खुद ही देख लीजिए कि वो दरारें ख़त्म हो गई हैं, भर गई हैं। तो ये करना ही काम जरूरी था, क्योंकि वरना अगर हम कलर कर भी देते तो दरारें दिखती और अच्छा नहीं दिखता अलमारी। तो इस कमरे में बहुत दिनों से गोबर की लिपाई नहीं हुई थी, आप खुद ही देख लीजिए इस घर का क्या हाल हो रखा है। और मेरे पूरे कपड़े गंदे हो गए हैं, सब में गोबर मिट्टी ये सब लग गई है। और इन सब कपड़ों को अच्छे से धोना भी पड़ता है, जब ये सब काम ख़त्म हो जाते हैं तो धोने में भी इन सभी कपड़ों को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये देखिए, इस तरीके से कुछ कमरे को लीप दूंगी। आज तो मैंने कमरे को ग्रीन ग्रीन कर डाला, रेड रेड की जगह। वैसे तो हमेशा मैं गोबर में रेड कलर मिला के लिखती हूँ, लेकिन आज मैंने इसलिए नहीं मिलाया ना, क्योंकि जब मैं अलमारी को एक नए सिरे से बिल्कुल सुंदर बनाऊंगी ना, उसी दिन मैं इस कमरे को भी एक नए सिरे से अच्छे से कलर करूंगी और रेड गेरू मिलाकर यहाँ की लिपाई करूंगी। तो इसलिए आज मैंने यूँ ही कर दिया, मैंने कहा चलो थोड़ा सा चेंजिंग लाते हैं और इस तरीके में देखते हैं कि कैसा लगता है घर। तो आप सभी कहेंगे कि आपने कूलर यहाँ से हटाया क्यों नहीं, कूलर का अब इन दिनों काम नहीं है। तो इसलिए नहीं हटाया क्योंकि कूलर के ऊपर रखा हुआ है मिक्सी, और मिक्सर का जो लाइट कनेक्टिंग है वो यहीं से हो जाता है, और जहाँ पे अलमारी रखी है वहाँ लाइट कनेक्ट नहीं है, इस कारण से मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन जब अलमारी सही से बन जाएगी, जब मुझे लगेगा कि हाँ चलो अब रख देते हैं कूलर को वहाँ, सुविधा हो जाएगी कूलर को वहाँ रख के लाइटनिंग करने की, तब मैं कूलर को उस कोने में रख दूंगी और वहीं पे लाइट की व्यवस्था कर दी जाएगी, तो मिक्सी भी आराम से वहाँ पे चालू हो जाएगी। इसलिए कूलर अभी तक यहाँ रखा पड़ा है, ये बीच में जगह घेर रखा है यहाँ पे कूलर ने, और कुछ नहीं। तो ये देखिए, 11 ही बजे का समय हो रहा होगा और इतने देर में मैंने खाना बना लिया, घर की लिपाई कर ली, अलमारी की लिपाई कर दी है। अब रह गए हैं कुछ बर्तन, क्योंकि बर्तन नहीं धोए थे मैंने पहले, क्योंकि अगर लाइट चली जाती तो यहाँ का काम नहीं हो पाता। तो अब यहाँ से जाने के बाद मैं बर्तन धोऊंगी। और ये देखिए, सारे कपड़े यहाँ पर रखे हैं और अलमारी अच्छे से लिप चुकी है। कल का ये गेहूँ फैला डरा है, जो कि एक मैंने एक चटाई का तो फैला दिया है, एक चादर का, और दूसरे चादर का नहीं फैला है। तो ये देख लीजिए, फैला दे रही हूँ अनाज को अच्छे से, लेकिन धूप नहीं आई है। और ऐसा ही होता है, जब आप अनाज फैलाने को डालो तो धूप उस दिन नहीं आती है, और यहाँ पे धूप आ गई लेकिन फिर से चली जाएगी धूप। और बर्तन धो के पीछे रखे हैं, तो अभी उन्हें भी उठा के ले जाके रख दूंगी। तो दोस्तों, कैसा लगा है आप सभी को आज का ब्लॉग? आशा करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा, और जो मेरी बातें हैं उनसे आप काफ़ी हद तक सहमत रहे होंगे। लेकिन नहीं है अगर सहमत तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये मेरा दिमाग था कि मैंने ये सब मैंने इस तरीके से बताया, लेकिन हर किसी का दिमाग अलग अलग होता है, एक नज़रिया ही सबका नहीं होता है, और सभी इंसान अपनी अपनी नज़रिए में सही है। मेरे हिसाब से जो भी जो कुछ सोच रहा है या फिर कह रहा है, कहीं ना कहीं वो अपने आप को सही समझ रहा है या फिर सही है जब भी वो कह रहा है। मेरा नज़रिया ये था सोचने समझने का, बताने का, तो मैंने ये सभी आपको बताया। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ अब खाना खाने, धूप में बैठ के, वैसे तो इतनी ज़्यादा धूप नहीं है लेकिन खाना खाने आ गई हूँ।
एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए जल्दी जल्दी। मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक।